हेलो, आज की क्लास फीलिंग्स के ऊपर थी, और फिर आज की क्लास फीलिंग्स के ऊपर थी। तो आज मतलब एक ऐसा फील दिया था कि मतलब माँ की डेथ हो जाती है तो आप कैसे फील करते हो। तो वही चीज़ें मतलब समझ में आ रही थी कि कैसे जाना है फील में। मतलब अगर कुछ चीज़ करना है तो पहले उसको मतलब तुरंत इमोशन में नहीं चले जाना है, पहले उसको सस्टेन करना है, उसको फील करना है, देन उसके बाद उस इमोशन में जाना है। मतलब मुझे वो चीज़ आज समझ में आई। और मनोज सर की क्लास जब भी होती है तो कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बोला है कि मतलब जो क्लास होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। जैसे आज अभी जब मैं पहले थोड़ा करता था तो मुझे फील नहीं आता था, बट आज मैं सस्टेन किया उस चीज़ को, सोचा समझा और फिर उस चीज़ को कोशिश करी, तो वो थोड़ा मतलब एक मोमेंट होता है ना, वो आया, तो मतलब अभी बेहतर हो रही है चीज़ें पहले से। सो भाई थैंक यू सो मच। एडिट करने वाले हाय एवरीवन। तो आज की क्लासेस बहुत अच्छी थी। सबसे पहले कि मनोज सर ने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई आज कि इमोशंस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। और आज हम लोग ने एक इमोशनल इमोशन पे वर्क किया जिसपे हमारी माँ की डेथ हो गई थी और सर वहाँ से वो कुछ ना कुछ वो बोल रहे थे, तो उससे हम अच्छा एक मतलब डीपली जा पा रहे थे कि हम क्या फील कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कि जो मैक्सिमम लोग बहुत रियल थे, मतलब जो भी चीज़ें थी वो रियल आ रही थी, चाहे वो रोना हो चाहे वो मतलब शांत रहना हो, मतलब कोई फेक नहीं कर रहा था, तो अच्छा था। और मनोज सर की क्लास तो हमेशा रॉक रहती है। थैंक यू। हाय, आज मनोज सर ने सिखाया हाउ टू गेट इन टच विद योर फीलिंग्स एंड ही ऑल्सो टॉट अस द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन टू योर फीलिंग्स एंड ऑल्सो विजुअलाइजेशन। तो इमेजिनेशन भी काफ़ी शार्प हुई। द सिचुएशन वॉज दैट योर मदर हैज़ पास्ड अवे, तो उससे काफ़ी स्टेप्स थे एंड कुछ अंदर से ट्रांसफॉर्म हो गया। एट द एंड ऑफ इट आई फेल्ट वेरी लाइट एंड उसके बाद सर ने वॉइस भी कराया, सो आई एम वॉकिंग आउट अ डिफरेंट पर्सन एंड मनोज सर इज़ माई फेवरेट टीचर। थैंक यू। हेलो। तो आज मनोज सर की क्लास में हम लोग को एक टास्क दिया गया था कि धीरे धीरे सर हम लोग को एक प्रोसेस में लेके जा रहे थे कि जब किसी की डेथ होती है एकदम अपने क्लोज्ड वंस की, तो हाउ डू यू फील और आप कैसे वहाँ तक पहुँचते हो उस इमोशनल स्टेट तक। ये इसलिए हेल्प करते हैं कि आगे जब आपको कभी ऐसे रोने वाला सीन करना हो या कभी इतना डीप इमोशनल सीन करना हो तो आपको पता हो कि आप कैसे जा सकते हो, आपका एक एक्टर का क्या प्रोसेस हो सकता है। तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत हैवी भी फील हो रहा था, बट उसके बाद करके समझ में आया कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है एक एक्टर के लिए। हेलो, ये मेरा पहला क्लास है और मैं पहले दिन यहाँ पे आई हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा मनोज सर का क्लास लेकर, क्योंकि मैं वो फील कर पा रही थी। मुझे लगा कि मैं एक्टिंग में आगे जा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो आज मैंने खुद को फील किया वो इमोशंस कैसे फील करते हैं, कैसे अपने ऊपर लेते हैं, कैसे उस कैरेक्टर में खुद को ढालना है, वो सर ने सिखाया। तो लिटरली मैं तो उस इमोशंस में जाके रोने लग गई, वो फील किया मुझे। तो मनोज सर का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, आज ये मेरा पहला क्लास था तो मैं पहली बार आज मनोज सर से मिला और मुझे उनका एनर्जी, पैशन, डेडिकेशन बहुत सही लगा। आज हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, आज हमने वॉइस पे भी काम किया और मुझे पता चला कि सीन को आगे ले जाने के लिए ये सब कुछ के साथ सिंक में होना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरीके से आप उस करेक्टर को फील करते हो और फील करने के बाद ही आप डेप्थ में घुसते हो और नेचुरली, और एक्टिंग एक्टिंग नहीं है जब तक आप उसको नेचुरली फील नहीं करते हो। तो इस बात के लिए मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक हाय। सो आज के सेशन में कुछ ऐसा हुआ कि एक सिचुएशन दी गई थी जहाँ हमारी माँ एक्सपायर हो जाती, तो उस समय हमको कैसे हमारी चीज़ों को रियलिस्टिकली एक्सप्रेस करना है, अपना दुख प्रकट करना है एंड ऑल, तो वो चीज़ मैं समझाऊँ कैसा कि आई मीन आई कुड डू दिस एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, जो एक सिंगल पर्सन ही इज एक्सप्रेसिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद देम, गिव एंड टेक, विच आई कुड अंडरस्टैंड हियर वेज एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका वॉइस पेट में सांस भरो, जोर से बात करो एंड कैसे नीचे ऊपर करना है, तो जिस तरह से आप बात करने की, डायलॉग्स बोलने की कैपेसिटी बढ़ सकती है और यू कैन इजीली एक्सप्रेस, आई मीन यू कैन इजीली टॉक टू द पीपल एंड यू कैन इजीली डिलीवर द डायलॉग्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो विच आई कुड लर्न हियर वेल। दैट्स इट, थैंक यू। हेलो, आज की क्लास इमोशन की थी जिससे हम लोगों को ये पता चला हर एक मोमेंट पे एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है, वो सब पता चला। और अभी तो मैं 2 दिन से आया हूँ,
लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला मनोज सर से, बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। थैंक यू। हेलो गाइस, आज की क्लास मनोज सर की क्लास थी जो कि माँ के ऊपर थी कि आपका अपना कोई एक्सपायर हो जाता है तो आपको क्या फीलिंग आती है, और ज़्यादा उससे ज़्यादा और क्लोज जैसे माँ बाप में से कोई एक्सपायर हो जाता है आपकी क्या फीलिंग आती है, आपका पूरा मतलब हाल और सब चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छी क्लास रही, अच्छा हुआ, मज़ा आया। थैंक यू सर। हेलो, मनोज सर की क्लास में दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि एक इमोशंस पे काम हुआ और दूसरा उन्होंने बोला कि इमोशनलेस, आप इमोशन में नहीं हैं और सडनली आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है और आपका रिएक्शन क्या होगा, और वो मेरे को पता चला उस समय कि एक्टिंग नहीं करना, ये रिएक्शन अंदर से ही आता है। तो ये सडनली छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत बड़ा अभिनेता बनाती है। मनोज सर का क्लास तो अच्छा ही रहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। सर मनोज सर का तो जवाब नहीं है, मनोज सर जब भी आते हैं क्लास में तो मतलब एक अलग तरह की एनर्जी रहती है उनके क्लास में। और सर ने आज टास्क दिया हुआ था कि मतलब माँ एक्सपायर हो चुकी है और उसके ऊपर मतलब फीलिंग के ऊपर मतलब खेलना था, कि जैसे कभी कभी होता है कि डायरेक्टर हमें मतलब सिचुएशन बता देते हैं बट हमको उस सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, खाली एक्सप्रेशन से खेलना है, तो वो मतलब कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम लोग ने मतलब बहुत से लोगों ने इजीली कर लिया, बहुत से लोगों के लिए डिफिकल्ट था, बट मनोज सर इज ऑसम। हेलो, मेरा आज क्लास का चौथा दिन है और मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। मुझे ये चीज़ पता चला कि फीलिंग्स जो होते हैं किस मोमेंट में कैसा क्या डालना है, ठीक है। तो आज मनोज सर ने कहा जैसे कि तुम्हारी माँ एक्सपायर कर रही है तो तुम कैसा रिएक्ट कैसा कर रहे हो, तो अपने तो घर पे सभी लोग मतलब मूवमेंट वो कर लेते हैं लेकिन कैमरा के सामने वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना, और वो ओवर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ आज उनको बहुत सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच सर, मनोज सर ने आज हम लोग को सपोर्ट किया, सिखाया। हेलो गाइस, आज मनोज सर की क्लास थी तो आज सर ने फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बताया, कैसे रो सकते हैं, कैसे सैडनेस दिखा सकते हैं। तो इस समय तो सबने बात किया है, सर ने आज एक और एक्सरसाइज कराया हुआ है, वॉइस की एक्सरसाइज, कि एक्टर की वॉइस सही होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वॉइस में फंबल नहीं रहना चाहिए, ग्लिच नहीं होना चाहिए, फ्लो में बोलना चाहिए। तो सर ने आज उसका हम एक्सरसाइज बताया कि हम लोग कैसे, अगर कोई डायलॉग मिल रहा है तो ग्लिच ना हो, फंबल ना हो, उसमें हम एक्सरसाइज बताए। तो आज हम लोग पता चला कि अभी हम लोग उसमें भी बहुत डाउन है, तो साथ में हमको फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ अपनी वॉइस में भी बहुत काम करना है। थैंक यू सर। आज मनोज सर का क्लास था, उसके बारे में तो जितना भी बोलूँगा कम लगेगा। और आज एक स्टोरी क्रिएट के सर ने दिए थे सबको, कैरेक्टर्स को, माँ के डेथ होने पे कैसा होता है, कैसा फीलिंग आती है, कैसा इमोशन आता है, तो वो सब हम लोगों ने किए अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर, तो काफ़ी बढ़िया रहा। और मैं इतना ही बोलूँगा, थैंक यू। गाइस, जैसे कि आज हमारी क्लास हुई और जैसे कि हमारी क्लास में सर ने हमें सिखाया कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज के बारे में हुआ, और एक हमको सीन मतलब ऐसे सीन था, सामी बोले कि आपकी मॉम ने आपकी मॉम का ही कुछ तो हो चुका है, तो आपको फील आया, तो आपको फील लाने आपको अपना इमोशन आपके फुल मतलब रोने आपको, तो कैसे करें जो सर ने हमें सिखाया। तो थैंक यू गाइस। सर आज का क्लास बहुत अच्छा था, मजा आया क्लास में, सर का क्लास था, कैसे माँ की मौत पे आदमी को दुख होता है, कैसे फीलिंग कैसे जागती है, वैसा हम लोग को बताया गया, और प्लस आवाज़ पे काम करवाए, कैसे नज़दीक आदमी अगर रहेगा तो कैसे उसको बुलाने का, दूर रहेगा तो कैसे, बहुत दूर रहेगा तो कैसे बुलाने का, उसके हिसाब से हमें सब चीज़ बताया गया। आवाज़ पे ज़्यादा ज़्यादा काम हुआ, और प्लस कैसे अपनी एनर्जी को थ्रो करने का आवाज़ के माध्यम से दूर तक, वो बताया गया। बस जैसे कि हमारे सब सारे दोस्तों ने कहा मनोज सर के बारे में, जैसे कि हमारे सारे दोस्तों ने कहा मनोज सर के बारे में, मुझे स्पेशली मुझे आज जो सीखने मिला, दैन मुझे हमेशा जो सीखने मिलता है कि एक चीज़ कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हो या फिर कोई भी चीज़ करते हो तो आप रियल हो, जो आप अपने रियल लाइफ में जैसे प्रेजेंट करते हो कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आपको जो कैरेक्टर पकड़ रहे हो तो इमोशंस हर चीज़ें सबके एक ही होते हैं। सो जो भी है रियल में जो रियलिस्टिक करना है, बस ये चीज़ मुझे बहुत स्पेशल मिली और हम भी दे रहा हूँ। एंड थैंक यू सर, नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच।